जब आप टीम से बाहर होते हैं ना तो आपका पेशेंस टेस्ट होती है आपका उनको यही है बैट डू थी पाकिस्तान उसको लेकर किसी भी ने उनका करियर जो है वो बर्बाद किया है और टीम तो दूर की बात है कैंप में भी उनको नहीं बुला रहे हैं तो क्या वो चाह रहे हैं कि उनको भी रिपोर्ट शेयर की जाए ताकि उनसे उनको सफाई नहीं नहीं आई थिंक देखें ये मैंने भी कम किए हुए हैं ये फ्रस्ट्रेशन आ जाती है लोगों में ये सी वो यही कहते हैं कि सारे उस सब की सब आ, की गलती है आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है जब आप टीम से बाहर होते हैं ना तो आपका पेशेंस टेस्ट होती है आपका टेम्परमेंट टेस्ट होता है आपकी मेहनत टेस्ट होती है सो so, मेरा तो मैसेज उनको यही है कि जी लेट द बैट डू द टॉकिंग खत्म होगी बात स्कोर करते रहें आप बाहर निकल ही नहीं सकते शान मसूद की एग्जाम्पल आपके सामने है फोर्स किया उन्होंने अपने पोजिशन को वापस टीम में रमेश भाई सबसे पहले तो मैं आपको मार्गवादा कि हम पच्चीस तीस सालों से देख रहे थे कि क्रिकेट में वो तरक्की सामने नहीं आ रही थी जो आपके आने के बाद तेजी से सामने आई है और इसको दुनिया रिकग्नाइज कर रही है इसमें तो कोई शक नहीं है और आपके आने के बाद जो पी एस एल हुई उसमें पहली मरतबा फ्रेंचाइज को सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से फायदा हुआ है ये. जो इससे पहले नहीं हुआ आप तो क्या समझते हैं कि ये जो पी एस एल है जैसा कि पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कराची और लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में भी जाएगी आपने ये देखा कि अभी जो मुल्तान में मैचेस हुए हैं तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है पब्लिक की तरफ से और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था आप समझते हैं कि हैदराबाद और मुल्तान या पेशावर में भी पी मतलब कराई जा सकती है इसलिए कि ये हमारी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है और दुनिया भर में बड़ा इसका सॉफ्ट इमेज गया है और आपने भी अभी अपने इंट्रो में कहा इस चीज़ को बिल्कुल जी इसमें इनशाला अगले साल इसको फैलाएंगे और मुल्तान का मैं इसलिए एक दफ़ा फिर से यहाँ तस्करा करना चाहूँगा कि इतनी गर्मी में इतने लोग देखने आए और फाइनल वाले मैच में 10 से पंद्रह हज़ार लोग स्टेडियम के बाहर थे सो ये ये एक और इस, इस क्रिकेट टीम का हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि इन्होंने फिर से क्रिकेट के जज्बात में गर्मी पैदा की है जी और वो एरिया वैसे ही वहाँ पे कम क्रिकेट हो, होती है असल में हमारा जो मसला है ना वो ये है जी हमें लीज़ हमारे पास है नहीं है फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद में मैच करवाना चाह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ लाहौर जब पीएसएल हो तो आप लाहौर में भी जाएँ और फैस... मगर हमारे पास लीज़ नहीं है मुल्तान की लीज़ नहीं है हमारे पास वो स्टेडियम तो था लीज़ नहीं है सो so, जब तक लीज़ नहीं मिलेगी तो जैसे आपने कहा ना सत्तर कमरे की जो बात की है नेशनल ये हमारे पास लीज़ है फॉरन एक्शन हो सकता है यहाँ पे हम अभी क्लब हाउस बना रहे हैं उस स्कोर बोर्ड के दूसरी तरफ आ, वो भी खासी एडवांस बातें उसमें चल रही हैं आ, सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा टाइम लेती है सो मैं रोज जब आता हूँ दफ्तर तो मैं सबको कहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है मैं इस जो मेरी जो जो मेरे ख़्याल से एक साल में आप बहुत कुछ कर जाते हैं क्रिकेट में बाकी जो है ना ये ठीक है आपका तीन साल का टेन्योर होता है मगर करने के लिए जो है ना आ, वो आपके पहले चार से छः महीने होते हैं आपको सबको पता चल जाता है आपकी स्पीड क्या है आपके पास कॉन्सेप्ट है आपके पास एक्सिक्यूशन है क्या मल्टी आप में बिलीव करती हैं अभी तक आप देखें कि हमारे सारे जो हैं पेप्सी का जो कॉन्ट्रैक्ट है शर्ट का वो मेरे ख्याल में कोई चालीस फीसद बढ़ा है और पहली दफ़ा जो है लोकल कंपनीज़ ने चैलेंज किया है एक इंटरनेशनल कंपनी को सो तो हमारे यहाँ बहुत यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो so, ये छोटे एरियाज में जाएंगे हैदराबाद स्टेडियम जो है उसकी हमारे पास लीज नहीं है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बहुत कीन है कि हैदराबाद को डेवलप किया जाए सो so, मेरे तो देखें जी आइडियल वर्ल्ड में जो हमारे पास होने वाला अगली दफा के मुल्तान को हम लेके जाएंगे वहाँ पे इसी तरह से पेशावर में अभी स्टेडियम बन रहा है मुझे नहीं पता कंप्लीट होता है या नहीं होता तब तक मगर ये छोटे शहरों में अगर जब तक नहीं हम लेके जाएंगे तो ये हम उन फैंस के साथ जाती करें जिनको क्रिकेट का शौक है और जो कि क्रिकेट के हिसाब से छोटी जगहों से आते हैं तो इसको अगली दफ़ा लेके जाएंगे सब जगह फैलाएंगे दिल्ली